नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एकेडमी माइंड एग्जाम में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नारियल बम्बू झाड़ू के बारे में, जो कि दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि आखिरकार इस झाड़ू को कैसे चलाया जाता है, कहाँ कहाँ पर आपको इस झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आपने कोई सी भी वैकेंसी में स्वीपर से या फिर सफाई कर्मचारी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी। कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे इस झाड़ू को चलाया जाता है। तो दोस्तों अंत तक आप जरूर देखते रहिएगा। वहीं पर अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अगर ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर दोस्तों स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। चाहे आपने कोई से भी वैकेंसी में स्वीपर या सफाई कर्मचारी से फॉर्म डाल रखा है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार इस झाड़ू का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो मेन रूप से दोस्तों बात करें तो इस झाड़ू की तीन चार जगह पर प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें, पहला इस झाड़ू का प्रयोग किया जाता है कोई भी गार्डन वगैरह है तो वहां पर आपके पत्ते वगैरह इकट्ठे करने के लिए, या फिर गार्डन में साफ सफाई के लिए इस झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, या फिर टूटी फूटी कोई सड़क है उस पर भी आप इस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो खुरदरी सतह पर भी आप इस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं, गार्डन में भी आप इस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं, और मिट्टी में भी आप इस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए। वहीं पर दोस्तों आप इस झाड़ू का प्रयोग जैसे बात करें रूम के अंदर या फिर कोई होल वगैरह उसमें कोई जाले हैं मकड़ी के, तो उन्हें भी आप हटाने के लिए इस झाड़ू का प्रयोग मेरे दोस्त कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं इस झाड़ू के बारे में कि आखिरकार इस झाड़ू का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे कैसे इस झाड़ू को चलाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कई लड़के पूछते रहते हैं कि ये बम्बू कितना लंबा होना चाहिए। मेरे दोस्त इसकी कोई निश्चित साइज नहीं होती है। कई लड़के बोलते हैं 5 फीट 6 फीट, तो दोस्तों इसकी कोई एक साइज नहीं होती है। अब बात करते हैं इस झाड़ू के बारे में। आपको मैं एक अलग से क्लास भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा कि इस झाड़ू को कैसे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने का तरीका भी अलग होता है। कई लड़के सीधा इसमें बम्बू डाल देते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस झाड़ू को बनाने का स्पेशली एक तरीका भी होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आपको इस झाड़ू को चलाना है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस झाड़ू को पकड़ना कैसे। इस हाथ को आपको ऐसे पकड़ना है और इस हाथ को आपको सामने से ऐसे पकड़ना है। अब बात आती है जो हाथ नीचे है, जैसे मेरे वाला ये हाथ नीचे है, तो जो हाथ नीचे है उसी तरफ आपकी ये झाड़ू चलेगी, ऐसे पीछे की तरफ आपकी ये झाड़ू चलेगी। कई लड़के इसको आगे चलाते हैं, तो मेरे दोस्त वो 100% गलत है और इस चक्कर में आप फेल हो जाओगे। हमेशा इस झाड़ू को आपको पीछे चलाना होता है। आप आगे भी चल सकते हैं इस झाड़ू को चलाते हुए, और आप पीछे भी इस झाड़ू को चलाते हुए मेरे दोस्त चल सकते हैं। वहीं पर क्या है, इस झाड़ू को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अगर ऐसे पकड़ा है तो ये हाथ नीचे है, तो इस तरफ आपकी ये झाड़ू चलेगी। जो हाथ हमेशा नीचे रहता है उस तरफ आपकी ये झाड़ू चलती है। इस प्रकार से आपकी मेरे दोस्त ये झाड़ू चलती है। तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका हाथ नीचे वाला हाथ है, जैसे बात करें ये दोनों हाथों में से ये ऊपर वाला हाथ हो गया, ये नीचे वाला हाथ है, तो जो भी हाथ आपका नीचे है उस हाथ की तरफ आपकी ये झाड़ू चलेगी। आप ये देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप इस झाड़ू को लगाते हुए पीछे भी चल सकते हैं, आप इस झाड़ू को लगाते हुए मेरे दोस्त आगे भी चल सकते हैं। खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है, दोनों हाथों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये डिफरेंस आप रख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी अकेडमी आ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन भी बैच चलते हैं, मिनिमम फीस में हम तैयारी करवाते हैं। वहीं पर दोस्तों हमारे ऑनलाइन बैच भी इसके चलते हैं। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि ऑनलाइन बैच में प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैनेजर परफेक्ट पर्सन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बन पाओगे। तो दोस्तों कम फीस में आप ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।